गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। टुडे द डेट इज़ 1 जून 2020। द असाइनमेंट नंबर इज़ 31। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर द सुनामी फ्रॉम द बुक ऑफ हनीड्यू। प्यारे बच्चों, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हनीड्यू से है, जिसका नाम है द सुनामी। टी साइलेंट रहता है जब हम इसे प्रोनंस करते हैं, जिसकी प्रोनंसिएशन है वो सुनामी होती है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्विक्स अंडर द सी। सुनामी एक समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उससे जो लहरें, बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें, पावरफुल स्ट्रॉन्ग लहरें जो उठती हैं उसे सुनामी कहा जाता है। ऑन 26 दिसंबर 2004, ये घटना 26 दिसंबर 2004 की है। अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। जो 2004 के अंदर सुनामी आई थी उससे थाईलैंड और इंडिया के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के जो समुद्री क्षेत्र हैं, समुद्री तट्स के साथ जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हुए। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ कहानियाँ साहस की और कैसे उन्होंने सुनामी से अपने आप को बचाया, सर्वाइव किया, उसकी कहानियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। और ये भी बताया हुआ है कि पूछा है पहले, डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स को इस बात का आभास हो जाता है कि सुनामी वॉज कमिंग, सुनामी आ रही थी। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ यहाँ पर ये बताती हैं कि एनिमल्स को इस बात का एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है। चैप्टर स्टार्ट होता है, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलेगो। जो ये कहानियाँ हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्निशियस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे उठाया सुबह। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्विक, क्योंकि उसने अर्थक्विक महसूस किया, जो भूकंप है वो महसूस किया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस ने अपने टेलीविज़न को ध्यान से टेबल से हटाया एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि यह गिर कर टूटे नहीं। Then the family rushed out of the house. उसके बाद उनका परिवार घर से बाहर आ गया। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. जब ये जो कंपन थी वो रुकी तो उन्होंने देखा जो समुद्र की लहरें हैं वो बढ़ रही हैं अव्यवस्थित ढंग से और कन्फ्यूजन ढंग से, यानी कि उन्हें फिर परेशानी महसूस हुई जैसे ही उन्होंने उस सी राइजिंग को देखा, समुद्र की लहरों को उठते हुए देखा। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। उनके दो बच्चों ने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़े हुए था। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उनको फिर दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी पत्नी भी वो पानी के अंदर बह चुकी थी, और इसका मीन्स ये है कि वह उनको दोबारा नहीं देख पाया, इट मीन्स वो भी पानी के अंदर बह गए होंगे। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल 3 बच्चे ही जो उनके साथ थे वो ही बच पाए थे। अदर स्टोरी ऑफ संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव पुलिसमैन था जो कि कचल के अंदर ही अपनी सर्विस को करता था, यानी कि नौकरी करता था, जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप का जो एक और क्षेत्र है।
ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह से अपने आप को बचाया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उस लहरों से, उन लहरों से अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपनी डॉटर को बचाया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फॉर द वाइफ ऑफ जॉन, परंतु जैसे ही उसने जॉन की पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, अब जॉन कौन था, द गेस्ट हाउस कुक, जो उनके घर कुक था उस गेस्ट हाउस में वो जॉन था, उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ जैसे ही उसने सुनी, संजीव जंप्ड इनटू द वेव टू रेस्क्यू हर, संजीव उन लहरों के अंदर कूद पड़ा और बचाने के लिए, उन्हें रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, परंतु वो दोनों ही बह गए, यानी कि बचा नहीं पाया उनको। 13 years ओल्ड मैगना वो स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 years की मैगना भी अपने पेरेंट्स के साथ और अन्य जो 77 जो लोग थे वहाँ पर आए हुए थे वो भी उस वेव के अंदर बह गए। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसने 2 दिन लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़कर तैरते हुए बिताए। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, 11 times उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर को अपने सर के ऊपर से उड़ते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, परंतु वे उसे नहीं देख पाए। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज का मीन्स होता है घबराना, घबराहट। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, वह जो लहरें थी उसके द्वारा भाग कर लाई गई और उसे समुद्र किनारे घबराए हुए या घबराते हुए चलते हुए या घबराने की अवस्था में चलते हुए उसे समुद्र किनारे देखा गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। यू मस्ट बी वॉच दिस वीडियो विद इन 2 times। Okay, thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.